फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं आनंद शर्मा आज आपको लेके आया हूँ आपकी वीडियो में संत सियाराम बाबा के दर्शन कराने के लिए। तो संत सियाराम बाबा के दर्शन करने के लिए आप देख सकते हो मैं इस समय कुटिया के बाहर ही हूँ। बाबा अपनी कुटिया में इस समय विराजमान हैं और निरंतर रामचरितमानस का पाठ करते रहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ तक संत सियाराम बाबा आश्रम जो भटियान गाँव है यहाँ तक आप कैसे पहुँच पाएंगे, क्या क्या यहाँ से टाइमिंग रहेगी यहाँ आने के लिए आपको। तो आइए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दोस्तों जरूर करिएगा, क्योंकि जो जो यहाँ संत सियाराम बाबा बहुत ही विख्यात हैं और बहुत ही दर्शनीय 108 साल के आसपास जो मैंने सुना है जितना बाबा की आयु है। तो आइए जानते हैं, राधे राधे। तो अब मैं बाबा के दर्शन करने के लिए दोस्तों जा रहा हूँ और आपको भी दिखाऊँगा संत सियाराम बाबा जहाँ विराजते हैं, जहाँ उनकी कुटिया है, जहाँ आश्रम विराजमान है और जहाँ बाबा जो दीपक वगैरह जलाते हैं और नर्मदा जी जो सामने आपको देखने को मिलेंगी वहाँ से। तो रात को जहाँ स्टे करी थी वो आपको दिखा देता हूँ। अन्न क्षेत्र के नाम से एक ही आश्रम यहाँ पर अभी बना है, केवल 4 से 5 महीने पहले ही बन के चुका है और वो भी ये केवल अभी जो नर्मदा परिक्रमा जो लोग करते हैं उनके लिए बनाया गया है। तो एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ अगर आप आते हो तो ज़्यादा आपको यहाँ पर आने से यहाँ पे एक सुविधा आपको मिल जाती है। देखो ये है, तो बना हुआ है, ये अपनी गाड़ी रखी हुई है। देखो यहाँ से ही 500 मीटर पे संत सियाराम बाबा का आश्रम भी है, तो वहीं चलते हैं। यहाँ ज़्यादा कोई बसावट वगैरह नहीं है पर आपको यहाँ पर ये पहली सुविधा यहाँ पर ये हमको मिल गई थी, क्योंकि रात को आए थे और सुबह मॉर्निंग में जल्दी दर्शन करो बाबा के यहाँ पर, क्योंकि यहाँ थोड़ी गर्मियों के दिनों में क्या है कि धूप ज़्यादा होती है, गर्मी यहाँ ज़्यादा पड़ने लगती है। ओम ओम नमो नारायण। आप थोड़ा थोड़ा आते हो यहाँ से पैदल चल के आओगे तो आप देखोगे ये गांव है, थोड़ा सा सामने ही आप देख रहे हो सारा मार्केट है, यहाँ से छोटी छोटी दुकानें हैं अभी खुलने वाली हैं। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, हम दर्शन करने आए हैं बाबा सियाराम बाबा के। तो यहाँ से आपको आगे का जो रास्ता है वो दिखा देता हूँ। ज़्यादा देखो यहाँ गाड़ी वगैरह तो केवल वहाँ तक लगती है, वहाँ से आप पैदल पैदल आते हो, सामने नर्मदा जी नदी आपको यहाँ देखने को मिलती है। जय सियाराम, जय जय सियाराम। खूब आनंद आ रहा है भैया, फिर दोबारा सियाराम बाबा की कृपा हुई, फिर दर्शन के मौके पर यहीं आए हैं। नर्मदा जी का आनंद है, अच्छा घाट बन रहा है, बढ़िया, पहले कुछ भी नहीं था, अभी सभी आनंद का हो रहा है। और यहाँ सामने ही देखते हो आप, तो यहाँ पर सामने ही बाबा के कुटिया के सामने ही यहाँ पर आपको घाट देखने को मिलता है, जिसमें आपको नर्मदा नदी के स्नान कर सकते हो। बहुत ही सुंदर जल और नर्मदा नदी के स्नान भी आप यहाँ पे हो जाते हैं, सामने देख सकते हो, बोटिंग वगैरह कर सकते हो, बोटिंग नाव लगी हुई है। कुछ दुकानें हैं पानी वगैरह की, कोल्ड ड्रिंक वगैरह की, कुछ चाय नाश्ता वगैरह कुछ आप करना चाहो तो छोटी छोटी कुछ दुकानें भी यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे पीछे देख सकते हो यही एक चौक वगैरह देख सकते हो, यहीं से आराम बाबा का ये टिया बनी हुई है। देखो सामने ये टिया वगैरह है यहाँ से, और यहाँ से यहाँ तक बाबा भीतर ही बैठते हैं और भक्त वगैरह जितने भी आते हैं भीतर ही दर्शन करते हुए, ऐसे जब ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है तब आप देखते हो रेलिंग वगैरह से, और वहाँ पर बाबा लंगोट वगैरह जो चलाते हैं, जो चूल्हा वगैरह चलाने आते हैं, वो हर शनिवार वाले दिन उस जगह पर देखो हनुमान जी का।
इतिहास गवाह है कि भारतीय संतों ने योग और ध्यान के बल पर पूरे विश्व को चौंकाने का काम किया है। साथ ही कठिन साधना के जरिए इंद्रियों पर संयम रखने और शरीर को हर मौसम के अनुकूल बनाकर भी सबको हैरान किया है। यही वजह है कि योग और आध्यात्म के मामले में भारत का स्थान शीर्ष पर है। वहीं योग की बीमारियों को जानने व सीखने के लिए विश्व को कोने कोने से लोग भारत का आगमन होता रहता है। इसी क्रम में हम आपको मध्य प्रदेश के एक ऐसे संत के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी एक झलक पाने के लिए ना सिर्फ देश बल्कि विदेशों से भी भक्तों का आगमन होता है। हम बात करने जा रहे हैं संत सियाराम बाबा की। आइए सियाराम बाबा के बारे में कुछ दिलचस्प बातें जानते हैं। संत सियाराम बाबा मध्य प्रदेश के जिला खरगोन के नर्मदा तट पर स्थित भट्टियान गांव के आश्रम के संत श्री हैं। बाबा की उम्र 109 वर्ष बताई जाती है। हालांकि कोई इनकी उम्र 80 बताता है तो कोई इनकी उम्र को 130। वहीं अगर इनकी उम्र अगर माने लोग गांव के लोगों के अनुसार तो 109 और 110 साल के आसपास बाबा की आयु है। बाबा के पैरों में घाव हो चुके हैं। बाबा के पैरों को कभी चूहे खा जाते हैं तो कभी बाबा के पैरों को जल में नर्मदा नदी के तट पर बैठते हैं तो मछलियाँ भी खा जाती हैं। बाबा भगवान हनुमान के परम भक्त हैं। आपको बाबा निरंतर रामचरितमानस का पाठ करते भी मिल जाएंगे। ऐसा माना जाता है सियाराम बाबा का जन्म महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ था और उन्होंने 7 से 8वीं की क्लास तक पढ़ाई भी की है। सियाराम बाबा वहीं किसी संत के संपर्क में आने के बाद के अंदर वैराग्य धारण करने का विचार आया और उन्होंने घर त्याग दिया। तब करने हिमालय चले गए। हालांकि उनके बाद का जीवन काफ़ी रहस्यमय है और इनके बारे में शायद ही किसी के पास जानकारी हो। सियाराम बाबा दान में सिर्फ 10 रुपये ही लेते हैं। अगर कोई 10 रुपये से ज़्यादा उन्हें दान देता है तो उन्हें बाकी के पैसे लौटा देते हैं। बाबा के यहाँ अगर बाबा चाहें तो एम्स के डॉक्टरों की लाइन भी लग सकती है, पर बाबा गांव के ही लोगों से अपनी सेवा कराते हैं और उन्हीं से अपने ट्रीटमेंट पट्टी वगैरह उनसे ही करा लेते हैं। यहाँ पर बाबा के यहाँ पकड़ाते हो तो यहाँ आपको केवल बाबा के दर्शन होते हैं। और बाबा यहाँ एक से एक करोड़पति आया है। करोड़पति बाबा ने सभी का पैसा यहाँ पर ठुकरा दिया, क्योंकि बाबा को यहाँ पर केवल जैसे पहले था केवल 10 रुपये से ज़्यादा दान नहीं लिया जाता। और वो भी ये मान लो कि आप दो देते हो तभी वो 10 रुपये लिए जाते हैं। आपसे ये नहीं कि 10 रुपये लिए जाते हैं, 10 रुपये से आप 100 रुपये दोगे तो 90 रुपये आपके वापस कर दिए जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप पे कृपा हो आओ आना चाहो तो यहाँ पर संत सियाराम बाबा के यहाँ दर्शन करने आप आ सकते हो। चलते हैं, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दोस्तों ज़रूर करिएगा। राधे राधे। तो मेरे साथ में अभी निखिल मौजूद है और निखिल
इसी क्षेत्र कसरावत का रहने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पर आए थे अपने गौरव भैया के साथ में, तो गौरव भैया के पास ये आते हैं मथुरा में मिलने के लिए। तो ये इसी क्षेत्र के हैं, इनसे आपको बताना चाहूँगा कि आप यहाँ पर कैसे आ सकते हो। क्यों निकल बताओ, राधे राधे। आप इंदौर आ सकते हो ट्रेन से, इंदौर से कसरावत, थोड़ा तेज बोलो, इंदौर से कसरावत की बस चलती है, कसरावत आके आप पिपलगोन आओ, पिपलगोन से आप सीधे भट्टन टेम्पू चलते हैं। टेम्पो चलते हैं, हाँ, यहाँ तक मतलब आपको टेम्पो वगैरह मिल जाएंगे, टेम्पो मिल जाएंगे पिपलगांव से, पिपलगोन से, पिपलगोन से, हाँ, पिपलगोन मतलब पिपा पिपलगांव नाव से, इससे पहले का एक गांव है, हाँ, तो वहाँ से टेम्पो वगैरह मिल जाते हैं। हाँ, हाँ, अच्छा। और आप इधर से आओगे तो इंदौर से बड़वा आ सकते हो, बड़वा से भी आ सकते हो, और सनावत से भी यहाँ आ सकते हो, सनावत से भी आ सकते हो। हाँ, तो मतलब डायरेक्ट यहाँ से, अब सबसे पहले अगर कहीं दूर दूर शहर से आ रहे हैं तो आपको इंदौर आना होगा। हाँ, तो इंदौर से ही आप यहाँ पर आ सकते हो, ठीक है ना। खंडवा से भी आप आ सकते हो, महाराष्ट्र साइड से, अगर महाराष्ट्र होके आ रहे हैं तो आप खंडवा होके भी इधर आ सकते हो। ज़्यादा रूट यही सही रहेगा, इंदौर से कसरावत, कसरावत से पिपलगोन, पिपलगोन से डायरेक्ट यहाँ आ सकते हो आप। तो टाइम टेबल तो मतलब बाबा कैसा, कभी भी आ जाओ दर्शन करने के लिए, कभी भी आ जाओ, शाम को 8-9 बजे तक, आठ रात को 8 बजे। और यहाँ पे सुविधा है, फुल है, आश्रम है, पिपलगोन में होटल मिल जाएगी। तो यहाँ से एक गांव पहले कितना दूर है यहाँ से, वो वहाँ 1 किलोमीटर आश्रम है यहाँ से, एक किलोमीटर आश्रम है। हाँ, पहले जो पहले जो मंदिर से पहले जो मैं आपको वीडियो में दिखाया है, और जो मतलब जो होटल वगैरह मिल रहे हैं वो पिपलगांव में। हाँ, पिपलगोन में मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन सबसे बढ़िया रहेगी। वैसे यहाँ पर एक ही आश्रम है, ज़्यादा कोई रुकने की सुविधा नहीं है, मैं आपको फिर बताता हूँ। वो तो हमको फर्स्ट टाइम पहले आए थे तो नहीं था, अब आके मिला है। पर अगर वो भी परिक्रमा मार्ग वालों के लिए पहले अवेलेबल होता है, अगर आप वो आश्रम परिक्रमा वगैरह जो लोग होते हैं, तो अगर उसमें नहीं मिले तो आपको वहाँ पर जगह नहीं मिलेगी, ठीक है ना, यही है। हाँ, तो ठीक है, चलते हैं हम यहाँ से। राधे राधे। राधे राधे। आप यही के हो? जी, हम काम करने वाले हैं। अच्छा, क्या बनना है यहाँ पर अब? जी, पाल बनेगी। घाट? जी, घाट बनेगा। ना, कब तक मतलब समथिंग बन के तैयार हो जाएगा? साल दो साल में लगेगा? ये महीने से दो महीने में, महीने दो महीने बन जाएगा। तो देख रहे हो आप, यहाँ पर अगर नेक्स्ट टाइम फिर आऊँगा मैं, ठाकुर जी ने चाहा, सियाराम बाबा ने चाहा, तो अगली बार आएंगे तो यहाँ पर घाट भी बन के तैयार हो जाएगा, और रास्ते वगैरह भी पहले से काफ़ी सुधार हो चुका है। जय श्री राधे। जय श्री राधे।